पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भगवान श्री गणेश, भगवान शिव की प्रतिमा और माता जी की तस्वीरों को तोड़ दिया और मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में CAA के माध्यम से नागरिकता देने की राह आसान की गई है। सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से पूछना चाहता हूं कि कहां गए आपके अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के वादे? क्यों सिर्फ धर्म के आधार पर हिंदुओं, सिखों एवं अन्य धर्मावलंबियों को निशाना बनाया जाता है? पिछले 20 दिनों में हिंदुओं के मंदिरों में तोड़फोड़ की तीसरी घटना है। याद रखिएगा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान एवं विभिन्न प्रांतों में रह रहे हिंदुओं और सिखों को अत्याचारों से मुक्ति मिले और सभी खुली हवा में आजादी की सांस ले पाए। सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वहां की जनता पाकिस्तान से व वहां हो रहे अत्याचारों से आजादी चाहती है। जब पाकिस्तान की हालत इतने खराब है कि वहां कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसे लोगों की मांग क्या गलत है? पिछले 20 दिनों में पाकिस्तान में 3 बार हिंदुओं के मंदिर पर हमला हुआ है और हाल ही में कल रात को कराची में एक गणेश जी की मूर्ति तोड़ी गई, शिवलिंग भगवान शंकर की मूर्ति तोड़ी गई, दुर्गा माता की तस्वीर फेंक दी गई, तोड़ी गई। इस प्रकार कट्टरपंथियों द्वारा लगातार वहाँ हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारे और हिंदू और सिखों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। मैं वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा ही वहाँ चलेगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने CAA बिल लाकर वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू सिख, उनको यहाँ बसाने के लिए कानून लाए हैं, पर वहाँ जो स्थिति है बहुत ही नाजुक है। लोगों में आक्रोश है और वो चाहते हैं कि ये सब रुकना चाहिए और इसकी देश में नहीं पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है।